सो गाइस एक और अनदर वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में रिव्यू लेकर आ चुके हैं MI के MI TV 4A Horizon Edition वाला एक 40 इंच फुल स्मार्ट एंड्रॉइड LED TV का अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं इसी वीडियो में। और जो अगर बात करूँ इसके बारे में थोड़ी डिटेल के बारे में, हाईलाइट्स के बारे में, तो 40 इंच TV है, बहुत ही कम ब्रांड में आपको 40 इंच की TV फुल्ली एंड्रॉइड स्मार्ट TV देखने को मिलेगी, जो कि इसमें आपको देखने को मिल जाती है। उसी के साथ पेच वॉल है, यहाँ पर एंड्रॉइड है, गूगल असिस्टेंट है, यहाँ पर क्रोमकास्ट बिल्ट इन है, विविड पिक्चर इंजन है, यहाँ पर नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम है, डिज्नी हॉटस्टार है, और उसी के साथ साथ यूट्यूब वाले फीचर्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। सिंपल सा बेसिक सा रिमोट आपको देखने को मिलता है इसके साथ, और इसमें आपको दो डेडिकेटेड कीज है, नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम वाली है, बाकी एक ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला रिमोट है, और इसमें आपको गूगल असिस्टेंट का भी सपोर्ट मिल जाता है, माइक की कनेक्टिविटी फ्रंट में देखने को मिल जाती है, बाकी दो टेबल टॉप स्टैंड आपको मिल जाते हैं। अनबॉक्सिंग आपको वैसे देख ही रहे होंगे आपको, और कुछ इस टाइप के इस बॉक्स कॉन्टेंट में आपको चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो चलिए इसको फटाफट अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, और इसके बाद में आपको एक क्विक रिव्यू आपको देखें इस टीवी के बारे में। तो चलिए करते हैं इसको अनबॉक्स। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है MI TV 4A Horizon Edition, उसी के साथ साथ पेच वॉल, स्मार्ट टीवी सिस्टम, एंड्रॉइड टीवी, गूगल असिस्टेंट, क्रोमकास्ट बिल्ट इन, यहाँ पर विविड पिक्चर इंजन, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम जैसे प्राइम वीडियोज, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, और यहाँ पर यूट्यूब। उसी के साथ साथ यहाँ पर कुछ इस टाइप की इंडियाज नंबर वन स्मार्ट टीवी ब्रांड, एक स्मार्ट टीवी है, 3-स्टार रेटिंग के साथ 85 यूनिट पर ईयर ये कंज्यूम करती है। ये फ्रंट वाला साइड है, अब बात करते हैं इसके बैक साइड वाले की बात, पीछे क्या लिखती है MI। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलवेज बिलीव दैट समथिंग वंडरफुल इज अबाउट टू हैपन, ये हमेशा इसका स्लोगन होता है जो कि है MI का। और अभी इसको फटाफट हम अनबॉक्सिंग करेंगे। आपको बता दूं पहले, मैं नहीं लगवाई है, स्टेपलिंग नहीं कर रही है, यहाँ पर कुछ लगवाया नहीं है, जो लोहे की पिन वगैरह होती थी वो यहाँ पर नहीं लगाई है। अब इसको हम यहाँ से ओपन कर देते हैं, और यहाँ से भी फटाफट इसको काट देते हैं। तो ये हो गया हमारा ऊपर वाला साइड ओपन। अब इसको थोड़ा ऐसे घुमा लेते हैं। सबसे जो पहली चीज इसके साथ मिलती है वो है दो टेबल टॉप स्टैंड, यहाँ पर क्विक गाइड के साथ साथ रिमोट कंट्रोल, यहाँ पर डबल एज बैटरीज है, और रिमोट है, AV वाली केबल्स भी है, यहाँ पर थर्माकोल वाली शीट लगी हुई है, काफ़ी मोटी और हैवी शीट है। वैसे अकेले आदमी को अनबॉक्सिंग करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड काम है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि 40 इंच से अगर ऊपर LED है उसका अनबॉक्सिंग बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो चलिए इसको फटाफट हम बाहर निकाल देते हैं। ये आ गया है हमारा TV बाहर, और इस बॉक्स को अब डाल देंगे थोड़ा सा हम साइड में, और ये है MI Horizon LED TV। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, उसको आप इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि अकेले किसी भी बंदे को इतने बड़े TV को अनबॉक्सिंग करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम है, इसको भी साइड में। तो ये है हमारा LED TV। तो सबसे पहले आपको बता दूँ उसके पीछे वाला जो पार्ट है उसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेलिंग में बता देता हूँ। यहाँ पर आपको मिल जाती है 3 HDMI पोर्ट्स, फर्स्ट वाला है वो ERC के साथ है, बाकी 3 HDMI और 2 USB पोर्ट आपको साइड में मिल जाते हैं, और नीचे की साइड में जो मिलती है वो नेटवर्क है, यहाँ पर लैन केबल है, ईयरफोन है, और यहाँ पर एक अलग से और पोर्ट से AV पोर्ट से, और यहाँ पर एंटीना वाला पोर्ट्स भी आपको देखने को मिल जाता है। बाकी चेक्ड LED है, बाकी कहीं पर भी कुछ भी एक्स्ट्रा पोर्ट नहीं। यहाँ पर जो वॉल माउंट स्टैंड के लिए काफ़ी हैवी यहाँ पर बेस बनाया गया है कंपनी द्वारा, क्योंकि थोड़ी सी हैवी LED है, 40 इंच है। तो सो गाइस, ये एक छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा LED TV है, और MI 4A Horizon LED TV है,
40 इंचेज फुल स्मार्ट एंड्रॉइड एलईडी टीवी, 1 GB रैम, 8 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ ये टीवी आता है और इसमें 64 बिट का क्वाड कोर प्रोसेसर भी है जो कि काफ़ी बेहतर है और विविड जो पिक्चर इंजन उसकी क्वालिटी तो बिल्कुल अमेजिंग है ही। उसी के साथ साथ स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, जैसे कंपनी बोलती है बेजल लेस है, आपको बता दो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो इसका बहुत ही बेस्ट है, लगभग 92 से लेकर 93% इसमें आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि इतनी हद तक आपको बेजल लेस की टीवी देखने को मिल जाता है। बाकी आपकी इसकी पिक्चर क्वालिटी देखकर आपको खुद को पता लग जाएगा बाकी कितनी पिक्चर अच्छी क्वालिटी इसमें अच्छी है। उसी के साथ साथ अगर बेस्ट फीचर्स के बारे में बात करूँ, इसमें आपको पैच वॉल मिल जाता है, यहाँ पर नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम है, क्रोमकास्ट और गूगल क्रोमकास्ट बिल्ट इन है, यहाँ पर यूट्यूब है, बाकी बेसिक्स है, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन देखने को मिल जाते हैं। उसी के अलावा अगर ऐप्स में घुसते हम और ऐप्स में यहाँ पर जाएंगे तो सारे के सारे ऐप्स आ चुके हैं, पैच वॉल, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम है, टीवी, यहाँ पर यूट्यूब है, यहाँ पर म्यूजिक है, प्ले स्टोर है और ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो आप इस एलईडी के अंदर कर सकते हैं। और रिमोट जो है वो ब्लूटूथ वाला है, आप कहीं से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, ओके करेंगे तो ये काम कर लेगा, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आपको इसके सामने ही करना पड़ेगा। ये बेस्ट फीचर्स है इस टीवी के बारे में। बाकी आपको बता दूँ इस टीवी का कॉन्ट्रास्ट रेशियो काफ़ी बेस्ट है और काफ़ी बेस्ट इसकी ब्राइटनेस भी है, ऐसे बोल के मैं नीट्स कितनी है वो बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पिक्चर क्वालिटी देखकर ही आपको पता लग जाएगा। 20 वॉट का इसमें आउटपुट साउंड है और साउंड भी काफ़ी बेहतर है, साउंड की क्वालिटी काफ़ी बेहतर है, आपको सुनने के बाद ही आपको पता लग जाएगा कैसी क्वालिटी से। तो चलिए इसको फटाफट एक बार हम चला के आपको बता देते हैं, बाकी सेटअप मैंने यहाँ पर कर दिया था। मैं यहाँ पर आपको इंटरनेट चलाकर नहीं बताऊँगा क्योंकि ये एक डेमो पीस है किसी शोरूम वाले की एलईडी है, अगर इसको मैं नेट से कनेक्ट कर दूँगा तो इसकी वारंटी चालू हो जाएगी, तो आई होप सो आप लोग समझ सकते हैं कि मैं यहाँ पर हॉटस्पॉट इसमें कनेक्ट नहीं कर सकता। मैंने यहाँ पर पेन ड्राइव पीछे की साइड में इंस्टॉल कर रखा है, उसी से काम चलाना पड़ेगा। बाकी आपको मैं बता देता हूँ क्वालिटी इसकी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और थोड़ा सा यहाँ पर कैमरा भी मैं आगे लेकर आ जाता हूँ, लाइट को थोड़ा साइड में कर देता हूँ, हाँ अब ठीक है थोड़ा। और ये है एलईडी टीवी जो कि है मी टीवी होराइजन 40 इंचेस फुल एंड्रॉयड स्मार्ट एलईडी टीवी। इसके अगर सेटिंग्स में हम जाकर थोड़ा देखते हैं क्या क्या चीज़ आपको मिलती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो डिवाइस प्रेफरेंस है यहाँ पर अबाउट आ गया है और यहाँ पर है एंड्रॉयड 9.0। सब कुछ इस टीवी के अंदर बेस्ट है, सब कुछ बेस्ट चल रहा है, बट यहाँ पर एंड्रॉयड यहाँ पर कंपनी चेंज नहीं कर रही, पता नहीं क्या हो गया है एमआई वालों को। यहाँ पर एंड्रॉयड को थोड़ा चेंज करके कंपनी को यहाँ पर 10 करना चाहिए, 9 की जगह थोड़े और फीचर्स बढ़ सकते हैं। बाकी जो ज़माना जिस टाइप से अपग्रेड हो रहा है तो हम लोगों को और कंपनी को भी अपग्रेड होना चाहिए। ग्लास नीचे गिर गया। इसके अलावा इसमें आप देख सकते हैं इसका स्टोरेज है वो यहाँ पर 8 GB का है, टोटली जो इंटरनल आप देख सकते हैं स्टोरेज यहाँ पर लिखा हुआ है 4.7, यानी कि 8 GB का स्टोरेज है। नीचे सैनडिस्क की पेन ड्राइव मैंने इंस्टॉल करके रखी है, वो भी यहाँ पर शो कर रही है। गूगल असिस्टेंट है, क्रोमकास्ट बिल्ट इन है, स्क्रीन शेवर आप चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, टीवी के मोड्स यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, लोकेशन है, सिक्योरिटी है और यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी है और टीवी लॉक सिस्टम आपको अलग अलग देखने को मिल जाते हैं। उसी के साथ साथ नीचे की साइड में यहाँ पर है रीसेट ऑप्शन, अगर कुछ भी सेटिंग चेंज हो जाती है तो आप रीसेट यहाँ से कर सकते हैं, ये एक अच्छा ऑप्शन है और टीवी को आप पूरा का पूरा रीसेट कर सकते हैं। यहाँ पर आ चुका है होम स्क्रीन, उसके ऊपर है ये पैच वॉल, पिक्चर, साउंड, पावर। पावर में क्या है आप देख सकते हैं, स्टैंड बाय जो लाइट है उसको आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं, कीबोर्ड है, कीबोर्ड में आप चेंजेस कर सकते हैं, कीबोर्ड में आपको अलग अलग, अभी जो कीबोर्ड है वो जी बोर्ड, यहाँ से कुछ बाहर निकल के आ गया, वापस जाना पड़ेगा, काफ़ी बाहर आ गया हूँ मैं, हाँ वापस अंदर जाना पड़ेगा, हाँ कीबोर्ड में यहाँ पर जो जी बोर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पर सेटअप में कुछ भी सेटिंग यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ लैंग्वेज भी इनपुट कर सकते हैं, हिंदी है, हिंदी यहाँ पर है, यानी हिंदी का भी यहाँ पर सपोर्ट है, अगर चाहें तो आप हिंदी भी यहाँ पर चेंज करके अपनी जो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है वो यहाँ पर सेट कर सकते हैं। टाइमर है, यहाँ पर आप टाइमर सेट कर सकते हैं, स्लिप टाइम है, आप कितने घंटे का अगर स्लिप टाइम सेट करना चाहें उसके हिसाब से एलईडी ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी। यहाँ पर डेट एंड टाइम है, इसके अलावा यहाँ पर अबाउट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ये छोटा सा एलईडी टीवी था, छोटा सा रिव्यू है, अब फटाफट हम प्ले करते हैं वीडियो को। तो पेन ड्राइव हमारा लग चुका है, यहाँ पर USB वीडियो वाला ऑप्शन भी आ चुका है,
फटाफट हम वीडियो प्ले करके बता देते हैं आप लोगों को। हाँ, जो हमारा वाटर पार्क वाला वीडियो है, जब हम वाटर पार्क गए थे वो वाला वीडियो है। पिक्चर क्वालिटी, कॉन्ट्रास्ट रेशियो, ब्राइटनेस काफ़ी बेस्ट आपको देखने को मिलेगा इस टीवी के अंदर। बाकी पिक्चर क्वालिटी बिल्कुल अमेजिंग है। कलर जो विविड पिक्चर इंजन इसमें लगा हुआ है और जो फैसिलिटीज़ है कंपनी की डिस्प्ले क्वालिटी को लेकर बहुत ही अमेजिंग है। कोई भी वर्ड नहीं है इस टीवी के सामने अगर आप क्वालिटी की बात करें इस प्राइस रेंज में, क्योंकि 21,000 में आपको मार्केट में कहीं पर भी 40 इंच एलईडी देखने को नहीं मिलेगा, वो भी फुल्ली एंड्रॉयड स्मार्ट एलईडी टीवी। तो ये एक मी टीवी का एक प्लस पॉइंट है। बाकी हद इसकी आपको बताऊँ, इसका जो कॉन्स की बात करें, अगर इसके माइनस पॉइंट की बात करें तो इसमें एंड्रॉयड 9.0 है। बाकी काफ़ी बेस्ट आपको इसमें चीज़ें देखने को मिल जाती है। साउंड क्वालिटी काफ़ी बेस्ट है, पिक्चर क्वालिटी काफ़ी बेस्ट है, तो आप समझ सकते हैं टीवी बिल्कुल लेने लायक है। सो गाइस, ये छोटा सा रिव्यू था इस टीवी के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर आप चेकआउट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, और ये है बाय बाय।